नमस्कार दोस्तों, रश्मि जी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ब्रेड रोल बनाना सिखाएंगे। ये चार ब्रेड हैं, दो पोटैटो हैं, ये एक हरी मिर्च है, ये थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है। आलूओं को हम ग्रेट करेंगे इस तरीके से। जब ग्रेट करेंगे तो इसमें कोई गुठलियां वगैरह या मोटा कोई पार्ट आलू का नहीं रह जाए, ग्रेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ग्रेट हो चुके हैं। हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। हाफ चम्मच ही धनिया डाल रहे हैं। ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा ही एक गरम मसाला है, इसे भी डाल रहे हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल रहे हैं, वो प्रेस करके। और अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। हमने इन सभी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस पर इधर रख देते हैं एक साइड से। इस प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उस पानी में बहुत हल्के से हम इसको भिगोएंगे, बहुत ज्यादा पानी ना हो। और उस पानी को हम इस तरीके से सारा निचोड़ देंगे। जितने अच्छे से इस पानी को आप निकाल दोगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा ब्रेड। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इस पे ये मिक्सचर जो हमने बनाया है आलू का, इसके लिए रखेंगे और इस तरीके से देखिए हमने इनके लिए रोल के शेप में बना लिया है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल रोल के शेप में बन गया है। तो ये रहे हमारे ब्रेड रोल। अब मैं फिर से एक बार आपको भिगो के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसका सारा पानी निकाल देंगे। जितने अच्छे से सारा पानी निकालेंगे उतना ही ये ब्रेड रोल क्रिस्पी बनेगा। फिर से एक बार हम इस पे ये मिक्सचर रखेंगे। एक ही मैंने किनारी से भी ले लिया, जैसा ब्रेड आता है मैंने इसकी साइडें नहीं काटी हैं। और इसका सब पानी निचोड़ देते हैं। फिर हम इसको बनाएंगे।
जो आलू का मिक्सचर है अब हम इस पे रख देते हैं। देखिए ये भी बन गया है। किनारी के सहित भी बना दिए। ये देखो बन के ये सारे तैयार हैं। अब हम इसमें मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है, आप जो भी यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। पहले हाई फ्लेम पर रख सकते हो, उसके बाद बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जल जाएगा। स्लो आंच पे बनाएंगे तो क्रिस्पी बनेगा। अभी तक ये अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके फ्लेम को कम कर देंगे। तेल सही गर्म हो चुका है, अब मैं इनको आप उतने ही डालें जितने इस बर्तन में आपके अच्छे से आ सके, और थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाएं क्योंकि जब आप पलटेंगे तो ये आपके कढ़ैया से चिपकेंगे नहीं। हमने फ्लेम स्लो कर दिया था और अब हम स्लो पे ही पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। आप देख रहे हैं मैंने इनको सभी को पलट दिया है, ये देखो कितने अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। बस 2 मिनट और इनको पकाएंगे। आप सभी तरफ से पलट पलट के इनको सेकेंगे तो कहीं से भी ये अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि ये कच्चे हैं, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और बाहर से ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे। अब हम इनके लिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। ये जो बाकी बचे हैं हम इनको भी गोल्डन फ्राई होने के लिए हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इनको पलट रहे हैं। ये जो बाकी बचे थे इनको भी हमने फ्राई कर लिया और काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हमने अब गैस को ऑफ भी कर दिया। अब इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं या सही से देख पा रहे हैं ये बनकर रेडी है। हमने एक चटनी रखी है, आप जिसके भी साथ खाना चाहें खा सकते हैं। अगर आप खाना चाहूंगी फ्रेंड्स आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ज्यादा। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।